दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु वार्गव और आज हम नागाजी इंस्टीट्यूट आए हैं और आज कॉमर्स के छात्रों का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में और उनका रिव्यू लेते हैं किस प्रकार से पेपर रहा। ये नागाजी इंस्टीट्यूट परिसर है और छात्रों का पेपर बस 2 मिनट में छूटने वाला है और पूछते हैं, उनके रिव्यू लेते हैं किस प्रकार से पेपर आ रहा है। इससे पहले जो इंग्लिश का पेपर आया था बहुत टफ आया था, तो ये पेपर कैसा रहता है इसके बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में आप बने रहिए और आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं मिले, तो देखते हैं। समय मेरे सामने है एक स्टूडेंट और वो मैडम बताएंगे आपको पेपर कैसा आया। मैडम, क्या पेपर कैसा आया? बहुत टफ पेपर आया, आउट ऑफ सिलेबस, कुछ भी समझ में नहीं आया। आउट ऑफ सिलेबस मतलब इंग्लिश ऐसे दिए थे उसमें कुछ समझ में नहीं, कुछ ना परसेंट वगैरह ना कुछ दिया था। जी के पार्ट कैसा रहा? ठीक था, वो भी टफ था थोड़ा। जी के पार्ट भी टफ आया लेकिन वो कोर्स से थोड़ा ठीक था। अच्छा, आउट ऑफ आपके कितने आए? कट ऑफ कितने आए? 67। थैंक यू। समय मेरे सामने है, पेपर दे करके आया, पेपर कैसा आया आपको? पेपर तो आया अच्छा आया लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आया, कोर्स से संबंधित कोई चीज़ नहीं आई हुई है। अच्छा, फिर जो मतलब अपन ने इसकी तैयारी की मतलब तैयारी करने से उसमें कोई मतलब नहीं मिलता। जी के पार्ट कैसा रहा आपका? जी के पार्ट अच्छा रहा लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज रहा वो थोड़ी टफ रहा। कोई क्वेश्चन जी के का? कोई क्वेश्चन तो इतना ध्यान नहीं है। अच्छा, आउट ऑफ कितना रहेगा? आउट ऑफ तो लगभग 80% पेपर रहा है। ओके, थैंक यू। आज के पेपर कैसा आया आपका? पेपर बहुत कठिन था और आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस, अधिकतर स्टूडेंट यही कह रहे हैं। और हमारे जो हॉल में हम बैठे थे उसमें एक भी लड़का क्वालीफाई या लड़की ना वो एससी से क्वालीफाई कर पाए, वो हम तो जनरल से तो 80 नंबर आए तो हम भी क्वालीफाई नहीं कर पाए। बहुत जी के कोई क्वेश्चन? जी के क्वेश्चन इतने टफ थे, इतने अलग थे कि वो याद भी नहीं हो पाए, क्योंकि सरल होते यहाँ पे अभी 2-3 दिन पेपर में आए भी हुए हैं, उनमें मतलब मध्य प्रदेश के जीएस से संबंधित पेपर आ रहे थे। 7 क्वेश्चन जो आते हैं हाँ मतलब। वो बिल्कुल नहीं आए हैं, वो उसमें कोई भी बहुत कठिन पेपर आया उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मध्य प्रदेश के जीएस से संबंधित हो। पेपर बहुत कठिन था। कोई क्वेश्चन याद है आपको? मुझे तो नहीं आ रहा क्वेश्चन याद ऐसा कोई। हाँ, वो आया था एक हिंदी में गहरा शब्द का था, तो वो मैं लगाया गहरा का वो था, विलोम पूछा था, उतना लगा के आया हूँ। अच्छा, और जैसे और वो क्या कहते हैं वो बिन काना वो सांप पे जो कहावत बनाई गई है तो वो रूपक अलंकार है। रूपक नरेंद्र जी है करेरा से और ये बताइए कौन से जीके के क्वेश्चन आए? मतलब जीके में एक तो आया था कि सबसे पहली बार जनगणना रजिस्टर कब बना था, और जिसमें कुछ ऑप्शन थे 1947, 1950, 51। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जीके का? जीके का वो चंबल नदी पे कौन सा पुल बना था ये पूछा, चंबल नदी पे कौन सा बांध बना था, इसको लेकर के भी हुआ। हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आज? हिंदी में तो आया था कि गहरा का उथला यानी कि विलोम शब्द आया, ये एक मुहावरा भी आया था जिसमें कि अखल ठिकाने लगाना, इस टाइप के एक आधु क्वेश्चन और थी। एक पर्यायवाची था जिसका ध्यान नहीं आ रहा, पर्यायवाची कौन सा था? सब इधर से पर्यायवाची हो गया। और एक आया था कि रस छंद रस दोहा है कि चौपाई है कि क्या था, तो उसमें तो मात्राएं थी और उसमें पूछा था सोठा ऐसे कुछ पूछा गया था। दोहा का उल्टा होता है ऐसा कुछ था। और सबई था, सबैया से भी आया। मात्रा कितनी था कि आज के पेपर में मिली जुली प्रतिक्रिया आई है और आज का पेपर भी टफ आया है, यानी किसी के भी मुझे एक भी स्टूडेंट नहीं दिखा है। एक लड़की ने जरूर बताया कि 92 नंबर आए हैं और बाकी सभी के 78 की थी, किसी के एक लड़के के 89 नंबर आए हैं। तो आज का पेपर ये कॉमर्स समूह का था और उसमें भी ये पेपर टफ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृत के रिव्यू कि संस्कृत का पेपर कैसा आता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।